हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक सम चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, साड़ी में फॉल कैसे लगाना है वो भी हाथ से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉल लिया हुआ है साड़ी का मैचिंग, तो इसे कवर से निकाल रही हूँ। ये साड़ी का मैचिंग फॉल है, चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। लगाने से पहले इसे क्या करना है वो देखते हैं। तो इस तरह से फॉल है, तो इसे पहले पानी में डुबाना है अच्छे से। पानी में ऐसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक भिगा के रखना है। इसके बाद इसे अच्छे से धो के सुखाना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से पानी से निकाल लिया है और इसे धो के सुखा दूँगी यहाँ पे। और इसके बाद फॉल को आयरन कर दूँगी। यहाँ पे इस्त्री कर दिया है मैंने फॉल को, और सेम मैचिंग धागा भी लिया हुआ है साड़ी का। फॉल को जब भी सुखाने से, धो के सुखाने से और इस्त्री करने से फॉल अच्छे से बैठ जाता है, बाद में सिकुड़ता नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ऐसे इस्त्री करके लिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं किस कैसे फॉल लगाते हैं। फॉल लगाने से पहले इतना स्पेस छोड़ के लेना है, उसके बाद वहाँ पे फॉल रखना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिएगा, तो इससे फॉल अच्छे से बैठ जाता है और आगे फ्यूचर में वो निकलेगा नहीं। तो इसके बाद हमें इस तरह से हाथ से सिलाना है। तो ये एंड सिलाना बहुत इजी है, आप ऐसे हाथ में पकड़ के सिला सकते हो इजीली। ऐसे हमें सिला के लेना है, बीच बीच में गांठ मारना है ताकि निकले नहीं। तो इस तरह से पूरा नीचे से पूरा फॉल लगा के ले लेंगे हम लोग। इस तरह से अच्छे से सेट करके हमें सिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं और सिला के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से सिलाना है। जिसके पास मशीन नहीं है उन लोग ऐसे सिला सकते हो, मशीन से सिलाना भी काफ़ी आसान होता है। बट किसी के घर में मशीन नहीं रहता तो फॉल बीडिंग के लिए पैसा खर्चा करके मतलब नहीं है। तो उससे अच्छा अगर आपके पास टाइम है तो ये ऐसे कर सकते हो, ये बहुत इजीली बन जाता है, इजीली कर सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे से पूरा सिला दिया है अच्छे से। उसके बाद एक पार्ट रखा है मैंने नीचे, और यहाँ पे मैं पतला सा सुई, दूसरा अलग कलर का लूँगी धागा, और इससे इस तरह से दूर दूर सिला के जाना है ताकि फॉल अच्छे से बैठ जाए और हमें आगे लगाने में बहुत आसानी हो। तो इस तरह से मैंने ऐसे दूर दूर एक एक सिलाई मार दूँगी। ये अच्छे से पार्ट के ऊपर रखेंगे तो फॉल अच्छे से सेट हो जाएगा, अच्छे से बैठ जाएगा, तो साड़ी उधर इधर होने का चांसेस नहीं है। तो इसलिए इस तरह से लगा के ले रही हूँ। ऐसे लगाने से आपको आगे फॉल लगाने में, ऊपर से सिलने में बहुत आसानी होगा। तो इस तरह से मैं पूरा साड़ी में लगा के ले लूँगी, इतना दूर दूर लगा के लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारा साड़ी में ऐसे सिला दिया है। ये जस्ट 5 मिनट में ऐसे सिला सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आगे आपको टाइम जो धीरे धीरे, मतलब साड़ी को अच्छे से सेट करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम नहीं लगता ऐसे सिलाने से। इसके बाद हमें इस तरह से सिला के लेना, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है साड़ी उधर इधर जा रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो ब्लैक कलर के धागे से दूर दूर से अच्छे से सिलाया हुआ है। तो आपको कुछ टेंशन नहीं, आप हाथ में पकड़ के अच्छे से आराम से सिला सकते हो। तो इसी तरह से मैं सिला के लूँगी साइड से। यहाँ पे एंड में भी सिला के लेने के बाद ये ब्लैक कलर का जो धागा लिया था उसे इस तरह से निकालना है। निकालना तो जस्ट 1 मिनट का ही काम है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसे इस तरह से हटा देना है और फिर हमारा फॉल तो बेडिंग होके रेडी है। फॉल को अच्छे से लगा दिया हाथ में, आप देख सकते हो, आपको फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है कि आपने मशीन से सिलाया है या हाथ से, इतने अच्छे से लग रहा है। और पीछे से भी ये ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है,
नॉर्मल ही है। अरे बहुत स्ट्रांग रहता है, जल्दी से निकलेगा नहीं ऐसे फॉल लगाने से। और पीछे से कहीं पे भी सिकुड़ा नहीं है साड़ी, इतने अच्छे से लगाया हुआ है। इसे आप एक बार ऐसे घर पे फॉल लगाकर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।